हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजू यूपी ब्लॉग में। तो दोस्तों, बस ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग वॉच करना और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि दो बार नहीं तीन बार यह रिक्वेस्ट हमारी तीन बहनों ने किया हुआ है। तो हमने सोचा बस छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दें। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, हमारी बातें समझ में आएंगी और आप लोग वीडियो को वॉच करेंगे। तो दोपहर का टाइम है, इसके लिए आंगन में बैठ नहीं सकते, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है इस टाइम। अब पतझड़ का मौसम आ गया है ना, इसके लिए हवा चल रही है। तो आइए मैं टॉपिक पर आ जाते हैं, जो है हम मतलब बात करने वाले हैं तुलसी हम क्यों नहीं लगाते हैं, क्या करना क्या नहीं। हमने एक वीडियो में बोला हुआ था, ब्लॉग था हमारा, तो उस पर सबसे पहले जो रिक्वेस्ट किया था उनका नाम बता देते हैं। तो हमारी एक बहन है, उनका चैनल है चुलबुली की लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग का चैनल है। तो प्लीज़ जितने भी दर्शक भाई बहन आप लोग उनकी भी हेल्प करिए। तो उन्होंने पूछा था, मतलब दी आपने बताया नहीं, मतलब कि तुलसी का पौधा हमें क्यों नहीं लगाना चाहिए, हम क्यों नहीं लगा सकते हैं। तो और ये ममता तिवारी हैं, उन्होंने दो बार रिक्वेस्ट किया। पूजा मिश्रा जी हैं, ये लोग हमारे दोस्त हैं, तो इन लोगों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। मैं अपने सभी दर्शक भाई बहनों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हमारी वीडियो पसंद आएगी आप लोगों को। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम आपसे मिलते रहें। और एक नाराज़गी हमें है, हमारे जो नए भाई बहन ज़्यादा आते थे, अभी थोड़ा कम हो गए हैं, पता नहीं लोग हमसे नाराज़ हो गए, वीडियो देख लेते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो, इससे हमें अच्छा लगता है ना, आपको तो पता ही है। आइए बात कर लेते हैं तुलसी माँ का, मतलब तुलसी का पौधा जो है। सबसे पहली बात ये है मेरे हिसाब से, वैसे तो भाई इतने सारे पंडित लोग हैं, सब कुछ मतलब है, सब लोग बताते हैं ज्ञान ध्यान की बातें। हम भी ब्राह्मण के घर से हैं, जितनी जानकारी हमको है वो हम बता रहे हैं। ये देखना है कि 5 या 7 मिनट ज़्यादा ना हो। तो मतलब ये है कि आंगन में तुलसी मेरे हिसाब से, मतलब जहाँ तक मैं जानती हूँ, नहीं लगाना चाहिए। और उसका एक मेन कारण है कि आंगन में अगर आपकी तुलसी लगती है तो कितना भी करो, देखो पेड़ से पत्ते गिरते ही हैं, तो आते जाते पैर में लगेगा, और झाड़ू जब मारोगे आप तो झाड़ू से भी बाहर ना पड़ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कोई घर में कि इतना ज़्यादा मतलब सभ्यता शालीनता के साथ कि जो पत्ती गिरती है लोग हाथ में उठा ही लेंगे। तो इसके लिए आंगन में तो तुलसी नहीं लगाना चाहिए। सबसे अहम और ज़रूरी बात जो है वो यही है, और तुलसी सबसे ज़रूरी जगह जहाँ है लगाना चाहिए वो है नीम का पौधा। जहाँ हम जल देते हैं तो वहाँ हम एक लोटा जल तुलसी मैया को भी दे सकते हैं, और शीतला माता को तो देते ही हैं जब। इसके लिए जो है नीम तुलसी का पौधा वहीं पर लगाना चाहिए, और इधर उधर जगहों पे नहीं लगाना चाहिए। और तुलसी जहाँ पर रहें वहाँ हमें गंदगी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सफाई रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी हमारे बहुत सारे काम आती है, बीमारी में काम आती है। देखिए सर्दी जुकाम बुखार, नॉर्मल बुखार है तो तुलसी और ये काली मिर्च इन सब चीज़ों से ठीक हो जाता है। और तुलसी का एक और मतलब तुलसी का जो बीज होता है उसका एक महत्वपूर्ण गुण है जो मुझे पता है, वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी, अभी नहीं इस वाले में। इस वाले में मतलब देखिए, मतलब ये मेरे यहाँ ससुराल में भी मायके में भी तुलसी का पौधा लगाना सहता नहीं है, बात ये है। तो जिसके घर नहीं सहता हो उसी के घर नहीं लगा सकते हैं, बाकी लोग लगा सकते हैं, तो मेरे घर सहता नहीं है। इसके लिए जो है कन्या से लगवाते हैं, और बिट्टू हमारे पूरा एकदम हंगामा करके रखिए, बर्तन धो रही है, तो सहता नहीं है इसके लिए हम नहीं लगाते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है जिनके यहाँ नहीं सहता है, लेकिन तुलसी आप लगा सकते हैं, लगवा सकते हैं, जैसे कि कन्या से, चाहे अगल बगल की आपकी कन्या हो या आपके घर में बेटी हो, तो बेटियाँ पराया धन होती हैं ऐसा कहा जाता है। तो हम जो है चाहे हमारे गांव की कोई बच्ची हो, अगर हमारे यहाँ तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उन्हीं से लगवाते हैं, और चाहे हम खुद बिटिया रानी से अपने लगवा लेते हैं, उन्हीं से पौधा अपने हाथों से नहीं लगाते हैं। अब जो बातें दादा बाबा बोल के गए हों तो करना ज़रूरी है, तो जो चीज़ें नहीं सहती हैं तो वो नहीं करना चाहिए, ज़रूरी है। तो इसके लिए हम तुलसी अपने हाथों से नहीं लगाते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और तुलसी के बहुत सारे गुण हैं, तुलसी की पूजा करनी चाहिए। देखिए कार्तिक के महीने में भी तुलसी माँ की पूजा होती है, यही मेन वजह थी। ये देख रहे हैं ना, ज़्यादा लंबा ना हो जाने, तो आप लोग वैसे भी वॉच नहीं करते हो। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी जो बहनों ने हमसे पूछा था उनका जवाब जो है मेरा उन्हें मिल गया होगा, और वीडियो पसंद आएगी तो वॉच जरूर करेंगी हमारी बहनें, और करती भी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब सबका ऐसे ही सहयोग और प्यार बनाए रखें सबके साथ। और एक रिक्वेस्ट हमें है आप सबसे कि अगर आप किसी को कुछ देते हो तो लेने की उम्मीद मत ही रखो, यही सही रहता है।
जो है। तो अगर इंसान के अंदर इंसानियत हो तो हम उसके साथ अच्छा कर रहे हैं तो आज नहीं कल तो उसको ज्ञान हो ही जाएगा कि नहीं ये अच्छे हैं तो हमें भी इनके साथ अच्छा ही करना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग अपना दोस्ती और प्यार यहाँ पर बनाए रखेंगे। तो किसी कोई कुछ गलत बोलता है, कोई कुछ सही बोलता है या कुछ कोई गलत कमेंट करता है तो प्लीज़ आप लोग ध्यान मत दीजिए, अपना काम करिए। यहाँ पर जो भी चैनल वाले भाई बहन उनके लिए बोल रही हूँ और जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए बोल रही हूँ कि किसी को देखो जिसके अंदर जो टैलेंट है जो गुण है वही वो लोग दिखा रहे हैं। तो किसी को कुछ गलत ना बोलिए ना देखिए वो चलेगा, लेकिन किसी को कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना और जो भी भाई बहन चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम अपने दर्शक का अपने YouTube फैमिली का दिल से धन्यवाद करते हैं। ब्लॉग का यहीं वर्णन कर देते हैं। और जो तुलसी का मेन गुड़ है उसके बीज का हमारे यहाँ एक पंडित थे जो है, तो बहुत अच्छा जानकारी उनको था, बहुत अच्छे पंडित थे। 84 वर्ष की उम्र में उनकी डेथ हुई थी और जो बातें कहते थे वो सत्य होती थी, तो उन्होंने ही बताया था जो कि जानकारी मुझे है और 100% मैं जानती हूँ। लोगों ने यूज भी किया है वो तरीका, वो वाला दूसरे ब्लॉग में बताऊँगी। तो ब्लॉग को मैं एंड कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हमारी बहनों को हमारी बातें पसंद आई होंगी। तुलसी का पौधा बस हम इसीलिए नहीं लगाते हैं, वैसे कहते हैं ना ब्राह्मण से अगर कोई चीज़ करवाओ तो ज़्यादा बेहतर होता है, नहीं तो अपने हाथ से तो 5 पौधा लगाना ज़रूरी है, आम का हो चाहे कटहल का हो और चाहे केले का हो चाहे तुलसी का हो, एक इंसान को 5 पौधा जरूर ही लगाना चाहिए। हमारी अम्मा के हाथ से तो बहुत सारे पौधे लगाए हुए, हमारे यहाँ अभी तो सूख गए हैं, 11 पेड़ कटहल थे और आम थे, अभी भी हमारी अम्मा पौधा लगाती हैं, आम के मतलब फल लग रहे हैं उनके लगाए हुए पौधों में अभी भी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। जो भी भाई बहन चैनल पर नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं अपने किचन में हूँ और खड़ी हूँ, इसके लिए मैं हील डोल रही हूँ। तो ब्लॉग को मैं एंड कर देती हूँ। बाय। जय तुलसी मैया। प्लीज़ हमसे अगर कोई गलती हो जाती है तो आप लोग माफ़ करिएगा। बाय।